नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एमटीएस 2021 के जो मैथ के पेपर हुए थे उनका सॉल्यूशन करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसकी पीडीएफ आपको जैसे ही मैं जो पेपर कराऊंगा उसके बाद मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ठीक है। आईसीआर के भी पेपर सॉल्व करा दिए हैं, चारों पेपर कैलकुलेटिव थे, कोई बात नहीं, अच्छा था सब कुछ, सॉल्व हो गया। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 16 मीटर है के आकार के प्लॉट के एक कोने में एक बकरी 10.5 मीटर लंबी रस्सी से बंधी हुई है। त्रिभुज के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें बकरी चर पाएगी। देखो, एक त्रिभुजाकार क्या था, तुम्हारा प्लॉट था। मान लो इस कोने पर तुम्हारी बकरी बंधी है, इसकी रेडियस देखो दी गई 10.5, क्योंकि त्रिज्यखंड का होगा। त्रिज्यखंड का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अब थीटा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। वैल्यू पुट कर दो, 22/7, आर की वैल्यू 10.5 गुणे 10.5, थीटा की वैल्यू 60 आ गई बटे 360। ये तो 6 बार कट गया, यहाँ से काटेंगे 7 × 7 हो गया, 7 × 5 = 35 हो गया। इसे काट दो, 3 × 2 = 6, 3 × 9 हो गया, 3 × 5 = 15 हो गया। ये काट दो, ये 11 बार चला जाएगा, यानी कि 11 × 15 = 75 / 5, 15 × 3 = 45 और 7 = 52 गुणे कर दो 11 के, यानी 5 × 5 = 7, 5 × 2 = 7, 57.75 आंसर आ जाएगा। यहाँ पर जब गुणा किया ना तो 2 के बाद पॉइंट आएगा, ठीक है, और मीटर स्क्वायर। अगला सवाल, 5 संख्याओं का औसत क्या है, 40 है। पहली 4 संख्याएं इतनी दी गई तो पांचवी संख्या निकालनी। देखो 40 से ये कितनी ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है, ये कितनी ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है, ये कितनी कम है, -5, ये कितनी ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, यानी कि 12 × 6 = 18, 18 × 10 = 28, 28 × 5 = 11, 23 ज़्यादा निकली। अब एवरेज से 23 ज़्यादा हो रहा है, यानी कि वो संख्या एवरेज से 23 कम रही होगी, तभी तो एवरेज मेंटेन रहा होगा। माइनस कर दो, आंसर क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा, सिंपल था। अगर नहीं समझ में आ रहा तो 40 × 5 तो कितना हो गया, 200 हो गया। यहाँ से जोड़ लो 50, 100, 130, 170 हो गया। यहाँ 5 × 2 = 7, 7 × 6 = 13, यानी 3, 7 × 1 = 8, 183 इसमें से घटा दो, 10 से 3 = 7 बचा, 9 से 8 = 1 आंसर आ गया। अगला सवाल, पीला और नीला रंग पसंद करने वाले छात्रों की संख्या का अंतर कितना है, अंतर देख लो कितना है, 100 है, सिंपल था बिल्कुल। अगला सवाल, a = 1300, b = 1450, बी ए से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है, तो कितना अधिक है, 150 अधिक है। किससे पूछा गया, ए से पूछा गया, बटे 1300 कर दो गुणे 100 कर दो, तो 13 × 13 बचा कितना, 2 बचा, फिर 13 × 13, जैसे ही 11 आया आंसर मिल गया 11.54%। अगला सवाल, एक घन की प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर, एक घनाव की भुजाएं 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर है। घन के आयतन और घनाव के आयतन का धनात्मक अंतर बताइए। देखो इसका आयतन हो गया 4 × 16 = 64, इसका हो गया 4 × 3 = 12 × 2 = 24, दोनों का अंतर कितना हो गया, 6 में से 2 गया 4। अगला सवाल, एक दुकानदार 3 उत्पादन ए बी सी खरीदता है, उन्हें क्रमशः 20%, 30%, 40% के लाभ पर बेचता है। यदि इन उत्पादों के क्रय मूल्य का अनुपात 4:3:2 है तो इनके विक्रय मूल्य का अनुपात क्या। देखो 4:3:2 अनुपात क्रय मूल्य था, हमने मान लिया कि ये 40 है, ये 30 है, ये 20 है, 20% की वृद्धि करेंगे तो 12 × 4 = 48 हो गया, इसमें 30% की 39 हो गया, इसमें 40% की तो 14 × 2 = 28 हो गया। देखो बिल्कुल आंसर एक हाथ में रखा है तुम्हारे। अगला सवाल, 21 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 53 है, इन 21 संख्याओं में सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। देखो इसको एक एग्जांपल से समझो, जैसे मान लो एक होती संख्या और अगर लास्ट की 21 होती तो इनका एवरेज कितना आता, 22/2, यानी कि 11 आता। तो यहाँ से जो सबसे छोटी संख्या थी उससे कितना जोड़ा गया कि एवरेज आ गया, 10 जोड़ा गया। इसी तरीके से मान लो ये 53 था एवरेज, इधर संख्याएं 10 रही होंगी, इधर संख्याएं 10 रही होंगी, सबसे छोटी संख्या पूछी, यानी इसमें से 10 घटा दो तो आंसर आ जाएगा, यानी कि आंसर क्या आ गया, 43। अगर विषम बोलता तो 2-2 का अंतर होता, अगर सम बोलता फिर भी 2-2 का अंतर होगा, इस तरीके से हम निकाल लेते हैं। अगला सवाल, देखो एक व्यंजक को सरल करना है, ये 25 हो गया, माइनस का कितना हो गया 2, प्लस ये हो गया 21, यहाँ से घटाएंगे तो 23, 23 + 21 कितना होता है, 44, बिल्कुल सरल। अगला सवाल, एक वस्तु को बेचते समय 20% 30% की 2 क्रमागत छूट दी जाती है, वस्तु के अंकित मूल्य और उसके विक्रय मूल्य का अनुपात क्या हो। देखो अंकित मूल्य हमने मान लिया कि 100 था, इस पर छूट दी गई कितने की, 20% यानी कि 80 रह गया,
फिर दी गई 30% यानी 70 रह गया। ये बन गया एसपी, ये हो गया तुम्हारा मार्क प्राइस। दोनों का अनुपात निकालना था, यानी कि 100 से 100 कट गया, ये 2 जीरो से ये 2 चला गया, और यहाँ 4 दूनी 8 ये 25 हो गया। तो अनुपात कितना आ गया, 25:14। अगला सवाल, पी एक कार का 1/2 भाग 10 दिनों में पूरा करता है, क्यों उसी कार्य का 1/5 भाग 4 दिनों में पूरा कर सकता है, दोनों एक साथ मिलकर वह कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकता है। देखो पी 1/2 भाग 10 दिन में कर रहा है, यानी कि पूरे टोटल 2 भाग थे, उसमें से 1 भाग कर रहा है 10 दिन में, तो 2 भाग कितने दिन में करेगा, 20 दिन में करेगा, यानी टोटल काम वो 20 दिन में करता है। क्यों कह रहा है उसी कार्य का, उसी कार्य का 1 भाग कर रहा है वो 4 दिन में, तो पूरा 5 भाग कितने दिन में करेगा, 20 दिन में, यानी पी भी कर रहा है 20 दिन में, क्यू भी कर रहा है क्या, 20 दिन में, दोनों मिलकर पूछा गया है, दोनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे, 1/2 कर दो यानी 10 दिन में। अगला सवाल, 10 पुस्तकों का मूल 250 रुपये, 15 पुस्तकों का मूल क्या होगा। देखो 1 बराबर 25 दिया है, तो 15 बराबर निकालना है, 25 × 15 कर दो, 15×75 हो गया, 15 × 2 = 30 और 7 × 37 हो गया। अगला सवाल, यदि ब्याज को वार्षिक रूप से संयोजित किया जाए तो 24,000 पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जैसे मान लो 100 रुपये प्रिंसिपल होता तुम्हारा, तो 10% के हिसाब से मान लो 10 लगता, फिर 10 लगता, 10 का 10%, यानी 21 रुपये में ब्याज मिलता है, ब्याज ही निकालना था, यानी 24,000 जो वैल्यू थी वो 100 की थी, 21 की वैल्यू हमें निकालनी थी, ये काट दो तो 0 हो गया, 21 चौक 84 4, यहाँ से लगा 8, 21 दूनी 42, 42 8 50। अगला सवाल, यदि किसी शंकु की ऊंचाई और आधार त्रिज्या दोनों को दोगुना कर दिया जाए तो शंकु का आयतन उसके पिछले आयतन का कितने गुना हो जाता है। देखो पहले मान लो रेडियस 1 थी, हाइट भी 1 थी, अब दोबारा में दोगुना कर दिया तो रेडियस 2 हो गई, यहाँ पर हाइट कितनी हो गई, 2 हो गई, यहाँ से अगर वॉल्यूम निकालेंगे तो 1/3 पाई R² का मतलब 1, H का मतलब 1, यहाँ से वॉल्यूम निकालेंगे तो 1/3 पाई R² मतलब 4, हाइट का मतलब 2, ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, यहाँ से हो गया 1, यहाँ से हो गया 8, कितने गुना हो गया, 8 गुना हो गया, सिंपल था। अगला सवाल, 2020 में एक शहर की जनसंख्या 2 लाख थी, जनसंख्या वृद्धि की दर से 8% वार्षिक है, 2022 में शहर की जनसंख्या क्या होगी। देखो 2020 से 22 2 साल की कह रहा है, यानी 8 + 8 + 64/100, यानी टोटल वृद्धि कितनी हो रही, 16.64, तो इतना परसेंटेज निकाल दो 2 लाख का, 1, 2, 3, 4, 5 / 100 कर दो, ठीक है, तो ये 2 जीरो चले गए, यहाँ से 2 जीरो इस पॉइंट से चले जाएंगे, 0, 2 चौक 8, 2 छक्के 12 और 2 छक्के 12 की 2 वहाँ से लगा, 1, 2 कम 2, 3, यानी इतनी वृद्धि हो रही था कितना, 2 लाख, 1, 2, 3, 4, 5, 0 हो गया, 8 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, आंसर आ गया। अगला सवाल, दिए गए भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तन निकालना है, यानी कि जब भिन्न दी हो तो एलसीएम अगर निकालना, तो ऊपर वाले का क्या होता है एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ होता है, ऊपर वाले का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, एचसीएफ नीचे वाले का 5, 7, 9 कुछ भी नहीं हो रहा, तो 1 आ जाएगा, तो आंसर क्या आ गया, 12। अगला सवाल, एक नाव धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में 16 मिनट और धारा की विपरीत दिशा में वही दूरी तय करने में 24 मिनट का समय लेती है, यदि शांत जल में नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल ज्ञात करनी। देखो डी मान लो डिस्टेंस 15 थी, तो अगर धारा की दिशा में जा रहा तो 16 मिनट / 60 कर लो, ए मान लो चाल, क्योंकि 15 और एस सेम लग रहे हैं, यहाँ से हो गया डी अपॉन 15 - a, 24 मिनट लग रहा है, 24/60, यानी 12 × 24 = 12×5 = 60, यहाँ 4 × 16 यानी 15 हो गया, डी डी इक्वल कर लो, यानी 4 15 + a/15 हो गया, बराबर हो जाएगा 15 - a 2/5, 5 × 15 हो गया, 2 × 2 = 4 हो गया, 15 × 2 = 30 + 2a हो गया, और 15 × 3 = 45 - 3 हो गया, इधर आएगा 5a हो गया, इधर आएगा तो 15a बराबर कितना हो गया, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल, 2 पाइप D और E अकेले अकेले एक टंकी को क्रमशः 26, 78 घंटे में भर सकते हैं, यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी को भरने में लगने वाला समय क्या होगा। देखो 26, 78 इनका एलसीएम टोटल काम निकल के आ जाएगा 78, एफिशिएंसी इसकी 3 हो गई, इसकी 1 हो गई, दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, भाग कर दो, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 18,
यानी कि 19 सही, 1/2 घंटे लगेंगे उन्हें भरने में। अगला सवाल, 140/9 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान एक ट्रेन 27 सेकंड में खंबे को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई बताओ। देखो खंबे को पार करने का मतलब है कि वो अपनी लंबाई पार कर रही है, यानी L/140/9 हो गया, बराबर 27 हो गया। 9 ऊपर चला जाएगा तो 9 3 27 ये कट जाएगा, यानी कि L बराबर 14 3 42 आ जाएगा, 420 मीटर। अगला सवाल, एक व्यक्ति ने एक कुर्सी 580 में खरीदी, 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कुर्सी किस मूल्य पर बेचना चाहिए। 580 में खरीदी, 25% लाभ, यानी 25% मतलब 1/4 होता है, यानी 5/4 में उसे बेचना होगा, तो 4 × 1 = 4 हो गया, बचा 1, 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20, 5 × 25 = 5, यहाँ से लगा दो आंसर यहीं से आ गया 725। डिजिट देख लो, यूनिट डिजिट क्या है, 5 है, हमारे हिसाब से भी 5 आ गई थी, बस खत्म हो गया। अगला सवाल देखो, इसमें बताना है प्रश्न चिन्ह की जगह पे कौन सी संख्या आ सकती है। देखो 540 का 42% के 11/14 का 5/9 हमने मान लिया एक्स आ सकती है, माइनस का 45 हो गया, यहाँ से काट दो, 14 3 42 हो गया, 3 3 9 हो गया, यहाँ से काटोगे 3 1 3 हो गया, 18 आ जाएगा, 0 से 1 0 चला गया, 5 2 10 हो गया, 2 9 18 हो गया, 11 9 99 हो गया, 99 = x² - 45, तो यहाँ से x² आ गया 144, दोनों का रूट ले लो, x बराबर क्या आ गया 12 आंसर। अगला सवाल कह रहा है डेयरी मिल्क 5 स्टार स्नीकर्स चॉकलेटों की कुल मिलाकर औसत संख्या दिए गए किस प्रकार की चॉकलेट की वितरित संख्या के बराबर है। देखो इसमें 25% थी, इसमें 20 थी, इसमें 15 थी, यानी 20 20 40 10 50 होता 60 हो गया, 60 का 1/2 कर दो 3, तो 3 2 6 20% किसका है, 5 स्टार का आंसर, 5 स्टार। नहीं समझ में आया देख लो, हमने मान ली चॉकलेट 100 थी और डेयरी मिल्क 25% यानी 25 हो गई, ये 20% स्टार हो गई तुम्हारी, और स्नीकर कितनी हो गई तुम्हारी 15%, जोड़ दो 5 5 10 की 0, हासिल लगा 1 3 2 5 1 6 60 हो गई टोटल। अब यहाँ 60 का एवरेज क्या होगा, 20 होगा, यानी कि 20 किसका आ रहा है, 100 का 20% कितना होता है, 20 होता है, यानी कि वो 5 स्टार का है। अगला सवाल, फार्म ए में मुर्गियों की और बकरियों की संख्या का अनुपात 5:4 है, बी में 5:7 है, यानी कि ए में मुर्गियां और बकरियों का अनुपात 4 है, बी में क्या है 5:7 है। यहाँ देखो बकरियों का परसेंटेज क्या होगा, 4/9 × 100, यानी 9 × 36 हो गया, फिर कितना बचा 4, फिर 9 × 36 हो जाए, यानी 44.44%। यहाँ देखो कितना आ रहा, 7/12 × 100 हो गया, ये 25 हो गया, ये 3 हो गया, यानी 25 6 150, 25 7 175/3, यहाँ से कर सकते 3 5 15, बचा 2, 3 8 24, बचा कितना 1 3 9, यानी 58.3, यानी कि जो बकरियों का जो नया रेशियो आएगा ना, उसमें बकरियों का जो अनुपात होगा वो इन दोनों के बीच में होगा, तो यहाँ देखो 9/ कितना हो गया, सॉरी 11 बकरियाँ होंगी, 11/20 हो गया, 150 हो गया, 20 5 100, यानी 11 5 55%, ये देखो इन दोनों के बीच में आ रहा 55%, यही आंसर हो गया तुम्हारा। एक पंक्ति में व्यवस्थित 5 संख्याओं का औसत 309 है, इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 431 है और अंतिम 2 संख्याओं का औसत 231.5 है, पंक्ति के ठीक बीच में कौन सी संख्या होगी। देखो जब संख्याएं बड़ी बड़ी एवरेज में दी हों और उनकी गुणा करना आसान हो तो गुणा कर लो, 5 5 45 5 3 15 हो गया, यहाँ से 2 1 2 2 3 6 2 4 8 हो गया, यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे तो 2 5 10 की 0, यहाँ से लगा 1 2 1 2 1 3 हो गया, 2 3 6 हो गया, 2 2 4 हो गया, टोटल 3 2 5 6 6 12 2, यहाँ से लगा 1 9 4 13, यानी 1545 से 1325 घटा दो, 0 4 से 2 गया 2 5 से 3 गया, तो आंसर आ गया। अगर ट्रिक से करते तो देखो कितनी दिक्कत आती, 5 का 309 हो गया और 2 का कितना हो गया 431, और यहाँ पर 2 का हो गया 231.5, अब 431 है वो 309 से कितना ज़्यादा, 11 से 9 गया, 2 बचा, यहाँ 2 बचा, यहाँ 1 बचा, यानी 1 पर इतना ज़्यादा, 2 पर कितना ज़्यादा होगा, 2 2 4 2 2 4 2 1 2, अब ये देखो दूसरा वाला एवरेज से कितना कम आ रहा, 10 से 5 गया 5 और 8 से 1 गया 7, 10 से 3 गया 7, 77.5 कम आ रहा 1 पर, 2 पर कितना हो जाए, 2 5 10 की 0, 2 7 14 1 15, 2 7 14 1 15, इतना कम आ रहा,
कितना ज्यादा हुआ, 14 से 5 गया 9 बचा, यहाँ 13 से 5 गया 8, 89 ज्यादा हो रहा है, यानी कि जो पांचवी संख्या होगी वो एवरेज को मेंटेन करने के लिए 89 कम लाएगी, 9 से 9 गया 0, 10 से 8 गया 2, 220 रही होगी पांचवी संख्या। अब यहाँ देखो कितनी कैलकुलेशन हो रही है, ये छोटे नंबर होते ना तो बड़ा आसान रहता है, यहाँ पर सब कैलकुलेशन आसान थी, बेसिक से भी कभी खराब नहीं होता पेपर, बहुत अच्छा हो जाता है। अगला सवाल, अरुण ने एक पुराना कंप्यूटर खरीदा और उसकी मरम्मत पर 110 रुपये खर्च किए, उसने इसे भोला को 20% के लाभ पर बेच दिया, भोला ने इसे 10% की हानि पर चंदन को बेच दिया, चंदन ने अंततः 10% के लाभ पर 1188 में बेच दिया, अरुण ने कंप्यूटर कितने में खरीदा था। देखो हमने मान लिया अरुण ने एक्स में खरीदा होगा, 110 इस पर खर्च किए होंगे, टोटल इतने रुपए रहा होगा, हम इसी को मान लेते 100, तो देखो 100 से उसने 20% के प्रॉफिट पे बेचा, यानी 120/100 इंटू क्या हुआ 10% की हानि पर बेचा, 90/100। अब इंटू क्या हुआ, चंदन ने इसको 10% के लाभ पर बेच दिया, तो ये टोटल मूल्य कितना हुआ, 1188 हुआ, 1 2 3 यानी 2 1 3 काट दो 0, 11 एकम 11 हो गया, 0 11 8 88, 12 9 108 हो गया, 12 से 12 चला गया, तो 100 बराबर कितना आ गया, 1000 आ गया, यानी कि x प्लस 110 की वैल्यू कितनी आ गई, 1000 आ गई, x बराबर हो गया 1000 माइनस 110 यानी कि 0 10 से 1 गया कितना 9 8, 890 आंसर आ गया। अगला सवाल देखो, एक तालिका तुमको दी गई है, पूछा गया मंगलवार सोमवार और रविवार को स्टोर एस पर बेचे गए कंप्यूटरों की कुल संख्या, मंगलवार बुधवार गुरुवार को स्टोर पी पर बेचे गए कंप्यूटरों की कुल संख्या का अनुपात। देखो एस की बात कर रहा है, कब कब, मंगलवार सोमवार और रविवार, देखो 68 74 और 78। अब पी की बात कर रहा है, पी में कब बोला, मंगलवार बुधवार और गुरुवार, यानी 49 70 और 90, इनको ऐड कर दो, 9 7 4 11 9 20 की 0 8 4 12 12 8 20 की 0 हासिल लगा दो, यहाँ हो गया 6 2 8, 8 7 15 15 और 7 22, यानी कि 220 209, 11 से काट दो, 11 दूनी 22 हो गया, 11 एकम 11 हो गया, 11 9 99 हो गया, यानी कि 20:19 हो। ये देखो MTS का 5 जुलाई का जो पेपर हुआ था Shift 1, उसको हमने कंप्लीट कर लिया, और काफी इजी पेपर आया था, तो उसको जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, 48 सेट्स हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको जल्दी से जल्दी फिनिश करूं, अभी रक्षाबंधन आ रही है ना, तो छुट्टी भी मिलेगी, तो मैं कोशिश करूंगा उसमें 4 से 5 वीडियो बना के रख लूं और अच्छे से अपडेट करता रहूंगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आप लोग बस पढ़ते रहिए, मोटिवेशन का बिल्कुल मत बोलना, क्योंकि मोटिवेशन के लिए आप लोगों को क्या करना है, मम्मी पापा का याद करना है कि अगर आपकी नौकरी लग गई तो उनकी जिंदगी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, भैया सोच के देखो एक बार, ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।